अपने आईफोन में परचेज किए हुए एप्लीकेशंस की हिस्ट्री को आप देखना चाहते हैं या फिर उसे हाइड करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अविटेकी। और आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम अपने आईफोन की जो ऐप स्टोर है उसमें परचेज किए हुए सारे एप्लीकेशंस को कैसे देखेंगे या फिर कुछ एप्लीकेशंस को हम हाइड कैसे करेंगे या फिर डिलीट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ओपन करेंगे ऐप स्टोर को, और ऐप स्टोर को ओपन करने के बाद यहां आपको टॉप राइट कॉर्नर में एक अवतार दिखेगा या फिर आपका जो प्रोफाइल आइकन होगा, प्रोफाइल लोगो या फिर प्रोफाइल पिक्चर होगा, उस पर टैप करना है आपको। और टैप करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको टैप करना है परचेज पे। और परचेज पे टैप करते के साथ आपने जितने भी एप्लीकेशन आज तक अपने आईफोन में इंस्टॉल किए होंगे या फिर परचेज किए होंगे वो सारे कुछ आपको यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप उन एप्लीकेशन को सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो एरो डाउन आपको यहाँ पे एक आइकन दिखेगा, उस पर टैप करके आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इवन की आप नॉट ऑन दिस आईफोन वाले ऑप्शन पे जाकर यहाँ से जो एप्लीकेशन आपने परचेज किए हैं और इस आईफोन में आपका वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, वो चीज भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई अपने ऐप को देखने के लिए कि जो परचेज हिस्ट्री है वो हम कैसे देखेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं उसे डिलीट करना है या फिर हाइड करना, तो उसके लिए आपको सिंपली ऐसे लेफ्ट की ओर स्वाइप करना है उस एप्लीकेशन पे जिसे कि आप हाइड करना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेना है हाइड को। जैसे ही आप करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। आप जाकर फिर से परचेज में देख सकते हैं वो जो एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो रहा था वो यहाँ पे अब शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं उस एप्लीकेशन को फिर से इंस्टॉल करना जिसे अभी आपने हाइड किया हुआ है, उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। और सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे ऊपर में आपका यहाँ पे प्रोफाइल दिखेगा, एप्पल आईडी दिखेगी, उस पर आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद यहाँ से आपके जो भी डिटेल्स हैं एप्पल आईडी से रिलेटेड वो सारे कुछ दिखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे मीडिया एंड परचेजेस पे टैप करना है, और उसके बाद व्यू अकाउंट वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको चले जाना है। आपको यहाँ वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, आप वेरीफाई कर लीजिए अपने एप्पल आईडी को। इवन हो सकता है कि आपको पासवर्ड भी यहाँ पे इनपुट करना पड़े। वो करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड्स एंड परचेजेस के नीचे हिडन परचेजेस, इस पे आप टैप करिए। हिडन परचेजेस पे जैसे ही आप टैप करेंगे, आपके सामने जितने भी एप्लीकेशन आपने अभी तक हाइड करके रखा हुआ है वो चीजें आपको यहाँ से दिखनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं उस एप्लीकेशन को फिर से डाउनलोड करना, आपको सिंपली यहाँ अनहाइड वाला बटन जो है इस पे टैप करना है, और आपका जो एप्लीकेशन है वो अनहाइड हो जाएगा। अनहाइड होने के बाद फिर से आप ऐप स्टोर में जाइए, और ऐप स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ शो हो रहा है। आप यहाँ सिंपली से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपने आईफोन की ऐप स्टोर में परचेज किए हुए ऐप की हिस्ट्री को देख सकते हैं, और साथ ही साथ उसे हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ अविटेकी को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार टिप्स और ट्रिक्स वाले वीडियोस हमेशा मिलते रहें।